को सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रयास करूंगा, साथ ही विरासत में हमारे मार्गदर्शक संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिए गए आदर्श और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम सबके साथ मिलकर काम करूंगा। और एक साधारण कार्यकर्ता को जितनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है, उसके लिए मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अपने भारत सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी सहित अपने सभी पार्टी के बड़े नेताओं और विशेषकर झारखंड के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक मजदूर को न सिर्फ इस राज्य का मुख्य सेवक बनाने का मौका दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आज राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने फिर एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। रघुवर जी, अब आप जेपी नड्डा की टीम में हैं, आने वाले समय में बिहार का चुनाव है, किस तरह से आप? हमने इसके पूर्व भी, मैं भी एक सप्ताह पहले ही तीन जिले में पार्टी नेतृत्व के द्वारा आदेश के अनुसार हमने मोतिहारी, गोपालगंज और सिवान हर दिन हम 4 से 5 जनसंवाद के माध्यम से वहाँ के कार्यकर्ता जनता के साथ संवाद करने का काम किया और उन तीन जिले और फिर प्रदेश स्तरीय के नेताओं से वार्ता करने के बाद वहाँ भी लोग NDA आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में NDA की शासन बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी एक सवाल ये है कि